पहले तो सबको, मेरे देखने वाले दर्शकों को पैर छू के नमस्कार करती हूँ। और मैं हूँ अनु पांडे, सिंगर एंड एक्टर। और मैं इतना खुश हूँ, तहे दिल से खुश हूँ कि आप सब, हमारी भोजपुरी की जनता, हमें मुझे इतना प्यार दी, इतनी इज्जत, इतना सम्मान। और ग्रीन सेने अवार्ड को मैं बहुत ढेर सारी तहे दिल से शुभकामनाएं दूंगी। साथ ही साथ, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो बिना गाए तो बिल्कुल नहीं रहूँगी, तो मैं दो लाइन, मेरी, मैं बहुत एडमायर करती हूँ कल्पना जी को, उनका ही गाऊंगी कि आँखिया से ढर के पियऊ, आँखिया से ढर के पियऊ, ढर ढर पनिया माटी में मिलल जाता, चढ़ल जवनिया माटी में मिलल जाता, बाने से पहले उजड़ गईला कोता, ए परदेसी बरदास नहीं होता, बरदास नहीं होता। अब ही अधूरा बाटे प्यार के कहानिया माटी में मिलल जाता, चढ़ल जवनिया माटी में मिलल जाता। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। खेलब होली, खेलब होली हो, खेलब होली, घर आई है बलमवा, खेलब होली, घर आई है बलमवा, खेलब होली। इसी होली के साथ साथ मैं इन एडवांस अपने देखने वाले सभी दर्शकों को होली की पहले से ही बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। साथ ही साथ, ये रंगों का त्यौहार है तो थोड़ा बच बचा के खेलिएगा और कॉमन रंगों से खेलिएगा, ताकि आपकी स्किन को और आपकी आंखों को कोई भी परेशानियां या प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए, एक तो ये जो ऑडिटोरियम है, खास करके स्वर्गीय लता दीदी के वाली साहब के नाम से, मतलब दीनानाथ जी के नाम से, ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया, मुझे बहुत खुशी हुई है देख के। और दूसरा अवार्ड जो इन्होंने अपकमिंग स्टारों को भी जो दिया है, अपकमिंग डायरेक्टरों को जो दिया है, ये बहुत ही प्यारा अवार्ड बना है। और ख़ास करके मुझे बुला के ये जो अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और ग्रीन सिने अवार्ड जो है, बस ये इसी तरीके से होता रहे और हम लोगों को याद करें, हम लोग आते जाते रहें। थैंक यू सर। क्या कुछ खास है आज ग्रीन सिनेमा में आपके लिए? सबसे पहले तो आज मेरा भयंदर में बहुत अच्छा आज प्रोग्राम रहा, ग्रीन सिनेमा अवार्ड, और इनके जो आयोजक करता है सबको दिल से नमस्कार। और जितने भी सारे आज कलाकार आए, और जितने भी आज ऑडियंस आए, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर और बहुत अच्छे टेक्नीशियन सब आए थे आज यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा रहा। और मैं यही चाहूँगा इस तरह का हर बार होते रहे और हर साल होते रहे ग्रीन सिनेमा अवार्ड, जिससे कि नए कलाकार को एक राह मिले और उसको एक सपोर्ट मिले आगे बढ़ने के लिए। गाना एक बहुत बड़ा हिट हुआ, मोहन जी का गाना है पुदीना, गाना बहुत हिट हुआ, उसके बाद पुदीना का पार्ट टू भी आया, वो भी बहुत धमाल किया जी। आपकी फिल्म है पुदीना जी, मेरी फिल्म पुदीना बनके तो कंप्लीट है, जिनके प्रोड्यूसर है हमारे नेहा श्री मैम और डायरेक्टर है रितेश ठाकुर जी, तो आप भी देखें एक मेरी फिल्म में, वो पोस्टर भी लॉन्च हो चुकी है और उस फिल्म की 70% शूट हो गया, लेकिन कोरोना काल लेके थोड़ी सी उस फिल्म में अड़चन आ चुकी थी, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि 2-3 मंथ में वो पिक्चरें, टीजर ट्रेलर दोनों आ जाएंगे। हमारी फिल्म में मैंने जो भी किया है, अगवा किया है, जो रितेश ठाकुर डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है अनिल काबरा सर, नगनिया किए हैं जिनके प्रोड्यूसर हैं अनिल काबरा सर और डायरेक्टर हैं रितेश ठाकुर जी, आवारा परिंदे किए हैं जिनके डायरेक्टर हैं रितेश ठाकुर जी और चंदन सैनी जी प्रोड्यूसर हैं, और पुदीना किए हैं जो नेहा श्री मैम प्रोड्यूसर है, नेहा श्री के बनर तले और डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी, तो बहुत जल्द ये चारों फिल्में आएंगे, बन के कम्प्लीट है, बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन आने से सब आ जाएंगे। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हैं, हमारे जितने श्रोतागण हैं, उनको गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर क्रिटिक्स फिल्म दंड नायक के लिए मिला, तो बहुत बहुत ग्रीन सिनेमा अवार्ड को, विजय जी को थैंक यू, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,
कि आप लोग हमें बुलाते हैं और ये सम्मान देते हैं। आने वाले काफ़ी हमारी सब फिल्में हैं, सब अभी जैसे शूट पे चल रही है फिल्म हमारी थी सिंदूरदान, फिर जाकर के फिल्म हमारी अभी गई है आपका सीतारमन, मंजुल ठाकुर जी की शूट चल रही है। तो अपकमिंग बहुत सारी फिल्में हैं, तो उतना नाम बताना अभी मुझे मुनासिब नहीं है। और जिस गाने के लिए मिला है फिल्म दंडनायक कि बहुते भाग से पवले बानी बबूनी हो, माई लेखा अचरा में छुपवले बानी बबूनी हो, बाबू जी के आँख के पुतरियान हो, इहे मांगी वरदान कब हो लागे ना नजरिया हो। स्टारर यश कुमार जी की फिल्म है, तो आप लोग भी फिल्म देखिए जिस फिल्म के लिए हमें मिला है अवार्ड। सर ये भी जानना चाहेंगे अगली बार अगर मैं गलत नहीं हूँगा अंजना जी को लेके बहुत बेहतरीन होली का गाना आपका आया था जी, इस बार कौन सा होली गाना आने जा रहा है? बस आने वाला है लेकिन अभी बता नहीं सकते। हाँ बहुत सारे तोड़ने की बात है ना। अंजना जी के लिए जो हमने किया था पिछले साल जो था कि चढ़ के ना उतरे मेरा रोमांटिक कलर, तो बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर गाना रहा था जी। थैंक यू जी। हम क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड? नमस्कार, सबसे पहले दर्शकों को तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और जो स्नेह है उनका। मेरा नाम है स्मिता दुबे, मैं हूँ जौनपुर से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं आई हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड में। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, काफ़ी एक एनर्जेटिक चीज़ें लग रही हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ ग्रीन सिनेमा में। तो आज क्या आप किस गाने पर परफॉर्म करेंगे बताइए? मैं भोजपुरी का एक पॉपुलर सॉन्ग है पवन सिंह का एंड काजल जी का, तो मैं उस पर परफॉर्म कर रही हूँ, छल खत्म हो रहा जवनिया ए राजा। बहुत हिट गाना है। हाँ जी बहुत। हाँ जी, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? जी मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो मैं रनिंग शो कर रही हूँ, भाभी जी घर पे है, मैं आई कमिंग मैडम भी कर चुकी हूँ, चंद्रनंदिनी का, चंद्रकांता, वारिस, बाजीराव जैसे सीरियल्स में कर चुकी हूँ, और भोजपुरी में मेरा एक एल्बम हुआ है, मूवी हुई है मोहब्बत के सौदागर, और भी प्रोजेक्ट काफ़ी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।